डेढ़ महीने से कुछ जो पेरीफरी के हमारे एरियाज हैं उनमें हम रेगुलर वाटर सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। बीच बीच में उसमें व्यवधान रह रहा है और अल्टरनेटिव दे रहे हैं। इसकी कुछ वजह हैं सर, क्योंकि अभी आप देखिए शिमला वाटर सप्लाई लगातार इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है और हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। तो उसमें अक्टूबर माह में करीब 15-20 दिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपने सारे सिस्टम को दुरुस्त किया तो शटडाउन आते रहे, तो वो पीरियड रहा। उसके बाद हमारे टैंक्स की आफ्टर मॉनसून जो क्लीनिंग के शेड्यूल्स हैं वो आ गए, तो उसकी वजह से टैंकों के क्लीनिंग के शेड्यूल की वजह से थोड़ी देर वाटर सप्लाई डिस्टर्ब रही। अदरवाइज मैं आपको ऐसा अश्योर करता हूं कि जो मूलभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है शिमला वाटर सप्लाई का, उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रहा है। ये एक फेज है जिसके थ्रू गुजर रहे हैं, ये ओवरकम हो जाएगी। इसमें जो एक चीज जो अभी नई देखने में आ रही है वो ये है कि अक्टूबर माह में भी और नवंबर में भी रेनफॉल बहुत कम रहा और पहले ही रेनफॉल में डेफिसिट आया मानसून के दौरान भी। तो जो अगर ये इसी तरह से मौसम की चुनौती चलती है और बारिश नहीं होती है तो अभी गिरी और खास करके कोटी ब्रांडी, इन दो सोर्सेज के ऊपर काफी ज्यादा डिप्रेशन चल रही है और पानी हमारी रिक्वायरमेंट से कम होता जा रहा है। तो अगर ये बारिश थोड़ी लेट हुई तब शायद हमें ऑफिशियली राशनिंग डिक्लेयर करनी पड़े कुछ पेरिफेरल एरियाज में जहां अल्टरनेटिव पानी देंगे। अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी रेनफॉल बीच में हो जाता है या कोई प्रेसिपिटेशन आती है तो आई एम श्योर कि ये जो अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है हम ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि ये सारी जो थी हमारी ही तरफ से मेंटेनेंस को जो हमने जोर शोर से शुरू किया था उसके लिए था। लीकेजेस प्लग करना भी हमारा एक बड़ा मेन काम था। काफी सालों से हम बोल रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 25-25% लीकेज चल रही है, तो जब लीकेज प्लग करते हैं तो काफी लाइन्स को बंद करना पड़ता है, सड़कें उखाड़नी पड़ती हैं, 2-4 दिन के लिए वो डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो ये सर वजह रही है ये पिछले 1.5 महीने में वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होने की। अभी अगर बारिश हो जाती है तो ये जो दूसरा नया चैलेंज सामने दिख रहा है ये भी ओवरकम हो जाएगा। और इसके अलावा गुम्मा का जो हमारा पंपिंग स्टेशन है, क्योंकि अब सतलुज से जुड़ गया है वो चाबा सिस्टम बनने के बजाय, तो अब हमने उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया उस एडिशन को, और हम इंश्योर करेंगे कि पानी हम आपको रेगुलरली ही दें।